हेलो फ्रेंड्स, आज के इस जेएसपी और सर्वलेट्स के पहले वीडियो में हम देखेंगे कुछ रिक्वायरमेंट्स और सेटिंग्स के बारे में। सबसे पहले हमें चाहिए जेडीके। आप कोई भी जेडीके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओरेकल या रेड हैट का ओपन जेडीके। उसके बाद आपको चाहिए टॉमकेट सर्वर। उसमें भी आप या तो ऑफिशियल अपाची टॉमकेट सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जैम सर्वर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पीएचपी के लिए जैम यूज़ किया है तो आपको पता ही होगा। और आपको चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप कोडिंग कर सके। आप चाहें तो सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। और एक वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम या कोई भी। यहाँ पे मैंने रेड हैट का ओपन जेडीके यूज़ किया है। मैं आपको बता दूँ, अब कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। हमें यहाँ पे कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। उसके लिए हम सर्च करेंगे env और ओपन करेंगे। यहाँ हमें पाथ एडिट करना है। हमने जहाँ jdk इंस्टॉल किया है उस पाथ के बिन फोल्डर तक का पाथ कॉपी करके न्यू वेरिएबल पाथ सेट करना है। उसके बाद जावा अंडरस्कोर होम नाम का एक वेरिएबल सेट करना है जिसमें जेडीके का रूट पाथ मतलब कि बिन से पहले तक का पाथ सेट करना है। और एक क्लास पाथ नाम का वेरिएबल सेट करना है। यहाँ हमने XAMPP यूज़ किया है तो पहले हम XAMPP में जाकर टॉमकेट और उसमें LIB फोल्डर का पाथ कॉपी करेंगे। यहाँ लिप के बाद स्लैश करके सर्वलेट api.jar लिखना है जो हमें सर्वलेट के सारे क्लासेस और इंटरफेसेस पैकेज के फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ हमने सारे सेटिंग्स कर लिए हैं। अब चेक करना है कि जावा और टॉमकेट सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फाइन, टॉमकैट चेक कर लेते हैं। ये भी सक्सेसफुल रन हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में।